नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहा है आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक जरूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, क्या सोच रहा है आपके पर्सन, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो भी पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहला ही कार्य यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है। बचकानी हरकतें बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, अभी भी शायद किसी बात पर नाराज़ हैं। ऑनलाइन आपके ऊपर पूरी नज़र है। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। देखो, एक तो इस इंसान में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ईगो भी है, घमंड है। इस इंसान का ईगो, इस इंसान का घमंड शायद इस इंसान को आपसे हमेशा दूर रख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन हमेशा मैं बहुत ज़्यादा करते हैं। इस इंसान को हर बात में खुद की तारीफ करना, ये इस इंसान के बारे में आपने महसूस भी किया होगा कि हर जगह पर इंसान मैं बहुत करता है। इस इंसान का जो ईगो है, ये जिम्मेदार हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियाँ लेकर आने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि हर वक्त जो इंसान मैं करता है, तो शायद इस इंसान ने आपकी बातों पर हमेशा इग्नोर किया है। ठीक है, और अब देखो कि इस इंसान की पूरी नज़र आपके ऊपर है। देखो, पेज ऑफ सोर्स लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं, लगातार आपको ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। बचकानी हरकतें तो ये इंसान हमेशा करता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई कॉल रिसीव हुआ होगा। जिस तरह से आप एनर्जी है, बार बार ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि ये इंसान गुस्से में है, ये इंसान अपने ईगो में है, और खुद के ईगो में आकर या मैं बहुत करके हो सकता है कि किसी किसी के साथ इस इंसान ने कुछ ऐसा बर्ताव किया है, जो कुछ कड़वी बातें बोली है, कुछ झगड़ा किया है। या अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर आप दोनों की बातचीत होती है तो आपके पर्सन कोई ना कोई पुरानी बातों को बीच में लाकर झगड़ा कर सकते हैं। के पर्सन तो पैशनेट है आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, लेकिन जो इस इंसान के अंदर गुस्सा है, इस इंसान के अंदर जो इतना ईगो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर एरीज लियो सजिटस हैं, और यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी बात निकालेंगे जिसके बाद आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा हो सकता है, या तो अगर पुरानी बातों की वजह से कोई पास्ट की ऐसी बातें थी जिसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, अगर आप दोनों का रिश्ता टूट गया है, तो इस इंसान को इस बात पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा है, चाहे वो कोई हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। हर बात आपके पर्सन को इस वक्त याद तो आ रही है, एक एक बात, किसने क्या बोला, या अगर हालात कुछ ऐसे थे जो आप दोनों को अलग क्यों होना पड़ा। हर बात यहाँ पर कुछ ऐसी कड़वी बातें, कोई सच्चाई हो सकती है जो इस इंसान को वह सदमा दे रही है, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है। चाहे इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया हो, चाहे हालात कुछ ऐसे क्रिएट हो गए हो जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा हो, पास्ट में जो कुछ भी गलत हुआ है या पास्ट में जो कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, वो सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आ रही है। या तो वो खुद के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या तो हालात के ऊपर। ठीक है, और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती कि इनकी नाराज़गी आपके ऊपर हो। अभी इस वक्त आपके पर्सन की हालत कुछ ठीक तो नहीं नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में जैसे कि गुम हो गए हैं,
कि अगर गलत हुआ तो फिर क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या वो उस हालात को बदल सकते हैं। इस इंसान को बड़ा पछतावा हो रहा है कि वो उस हालात को चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, जो कुछ भी हुआ था पास में जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा था, इस इंसान को बड़ा रिग्रेट है कि उस हालात को बदल नहीं पाए, वो आपको समझा नहीं पाए, या हो सकता है कि आँखों के सामने रिश्ता टूट रहा है, ठीक है, और ये इंसान कुछ नहीं कर पाया, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, या आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है। जिस तरह से आप एनर्जी है, इस इंसान का ईगो बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि ये इंसान आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया, या इस इंसान को आज ऐसा लग रहा है कि हमेशा ये अपने बारे में सोचता रहा, इसने आपको ना जानने की कभी कोशिश की, ना आपको सही से पहचानने की कभी कोशिश की। ऊपर से यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी आ रही है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, इस इंसान को बड़ी जल्दबाजी है, ठीक है, इस इंसान को बड़ी जल्दबाजी हो रही है कि वो कब आपसे ऑनलाइन बात करें, इस इंसान को बड़ी जल्दबाजी हो रही है कि वो कब अपने थॉट्स आपसे शेयर करें, जो भी है उनके मन में, ठीक है, चाहे वो पुरानी बातों को लेकर हो, चाहे आज के हालात हो, उस इंसान के आज की हालत हो, चाहे जो भी, वो आपसे शेयर तो करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान ने अगर सही से आपको पहचाना नहीं है, ठीक है, तो इस इंसान को हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा गाइस, और आज भी है। अगर इस इंसान ने आपको आपके प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की, तो इस इंसान को बड़ा रिग्रेट हो रहा है इस बात का। किसी के लिए हो सकता है कि कोई ब्लैक एनर्जी यहाँ पर है, जैसे कि किसी की बुरी नज़र हो सकती है इस रिश्ते पर, या आप पर किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई ऐसे ब्लैक एनर्जी तो यहाँ पर है। लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन कोई स्पेल वगैरह कर रहे हैं, कैंडल स्पेल वगैरह कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो आपके पर्सन कर रहे हैं। इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं, पास्ट में जो झगड़े हुए, जो टेंशन हुई, आपके पर्सन उसी को पकड़ के बैठे हैं। वापस एरीज की एनर्जी यहाँ पर है, और क्या है देखते हैं। निगेटिविटी को रिलीज करना कितना ज़रूरी है जो हो नहीं पा रहा है। देखो, वापस यहाँ पर बॉटम में वही एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत सा प्राइड में आ जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से शायद वो झुकना, जैसे कि झुकना जानता ही नहीं है इंसान, इसको झुकना चाहिए, इसको आपके लिए, अपने प्यार के लिए झुकना ज़रूरी है, लेकिन इंसान झुकता नहीं है। बार बार वही एनर्जी आ रही है कि घमंड है, ईगो है, इस इंसान के अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी है। अगर आपके पर्सन निगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, अगर आपके पर्सन अपने घमंड को साइड में रखते हैं, तो लक इस रिश्ते को साथ देगा, ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा आप दोनों को। इतना ज़्यादा ये इंसान इगोस्टिक बनता फिरेगा, उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं तो इस इंसान के लाइफ में भी, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है, हो सकता है कि इस इंसान ने दूसरों को इतनी अहमियत नहीं दी है, सामने वाले को अपने से नीचा समझना, ठीक है, सामने वाले की इंसल्ट करना, या उसके बारे में भली बुरी बातें कहना, हो सकता है ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, या हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी कभी कद्र नहीं की है, और हमेशा अपने आप को बहुत ग्रेट समझा है इस इंसान ने। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ये पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि हमेशा ये इंसान अपने प्राइड में है, हमेशा अपने ईगो में है, और हो सकता है कि अपने ईगो में आकर इसने आपकी कदर नहीं की है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है पहले आप दोनों में फ्रेंडशिप थी, और फिर उसके बाद ये रिश्ता प्यार में बदला है, या किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि अगर किसी ऐसे दोस्तों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, जो इस इंसान के कान भरते हैं या आपके कान भरते हैं, इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स थे आपके या आपके पर्सन के, तो हो सकता है कि वो दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और अगर आप पहले कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे ना, तो अब आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करोगे। ऑलरेडी ये इंसान बहुत बचकानी हरकतें करता है, और आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना है, आपको ऐसे हरकतों से बचना है जो बहुत ज़्यादा इस इंसान बचकानी हरकतें की है, ठीक है। अगर आप भी वैसे ही बनोगे तो फिर कैसे चलेगा। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, टेंशन फ्री होना आपको बहुत ज़रूरी है, तब जाके इस रिश्ते में आप कुछ बदलाव देखोगे।
फन की यहाँ पर जरूरत है, कुछ नई नई बातें, ठीक है। या तो हो सकता है आप कुछ नया सीख सकते हो, या तो कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कोई नए फ्रेंड बन सकते हैं। और निगेटिविटी को तो मैंने पहले बोला कि आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका लक आपको साथ देगा। लक भले आपको सपोर्ट करे, अगर आप निगेटिव हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप हमेशा निगेटिविटी में जी रहे हो, आप हमेशा निगेटिव ही सोच रहे हो, तो लक भी क्या करेगा फिर, आपके खुद के थॉट्स ही आपके सामने उभर कर आएंगे। अगर कोई डर है मन में तो उस डर को निकाल कर फेंक देना है। कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, लेट गो करना है। आप झगड़ों से आपको बचना है, ठीक है। जितने ज़्यादा झगड़े होंगे इस रिश्ते में उतनी ही बातें और बिगड़ जाएंगी, तो झगड़ों से आपको बचना है। कुछ ऐसी बातें अब आपके लाइफ में घटित होने वाली हैं जिसके बाद आपके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाएगी। आपकी जो तकलीफें हैं ना गाइस, वो मिटने वाली हैं। जो भी अच्छा किया है आपने, उसकी ब्लेसिंग्स अब आपको मिलने वाली हैं। आपको खुश रहने की बहुत आवश्यकता है, हैप्पी रहना ज़रूरी है, और अपनी सोच को आपको बड़ा रखना है। हो सकता है आने वाले समय में आप कुछ ट्रैवल करें, या हो सकता है अभी आप किसी ट्रैवल में हो, या आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन किसी ट्रैवल में है, ठीक है। द्विधा परिस्थिति आपकी हो सकती है, और आपको इसी से बाहर निकलने कहा जा रहा है, आपको निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या है देख लेते हैं, आपकी क्या हालत है, क्या सोच रहे हो आप। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऑफर भी किया था, या हो सकता है आपने बहुत बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, या अभी आपके मन में रिजेक्शन का डर हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इसके पास ऑप्शन है और ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, उस वजह से आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से रिलीज नहीं कर पा रहे हो, उस टेंशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जैसे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। गाइस, आपकी सोच को आपको बदलना होगा। बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ है इस इंसान के स्वभाव की वजह से हुआ है, और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि किसी और की वजह से रिश्ता टूटा है, क्योंकि देव टावर की एनर्जी भी यहाँ पर है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि इस इंसान के खुद के स्वभाव की वजह से आज इस रिश्ते में आपको ये दिन देखने पड़े हैं, क्योंकि बहुत ही गोस्टिक है आपका पर्सन, ठीक है, और आपको रिजेक्शन का डर लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उदासी जैसे घेर लिया है, आपका मन नहीं लग रहा है कहीं पर। एक तो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो, उदासी छाई है जैसे आपके मन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। आप ऑफर तो चाहते हो इस इंसान की तरफ से, और वो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर ज़रूर मिलेगी। आप खुद भी यही चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जिसके बाद आप इस इंसान से बात कर सकें, जिसके बाद ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो आप बहुत चाइल्डिश हो, या तो आपके पर्सन, और जो एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है उसको दूसरे को संभालना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई ऑफ़र के इंतज़ार में जो आप हो, तो डेफिनेटली ये ऑफ़र आपको मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई स्ट्रांग ऑफ़र आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी हालत मुझे दिखाई दे रही है। दोनों की सेम हालत देखो क्या है, यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और दोनों की भी विश है कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। दोनों भी चाहते हो कि जो भी आपके विश हैं इस रिश्ते को लेकर, जो सपने आपने दिख रखे हैं दोनों ने, आपके दोनों के सपने पूरे हो जाए। और दोनों की सेम फीलिंग देखो बॉटम में क्या है, एक तरफ तो दोनों भी खोना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप दोनों की विश है एक दूसरे के साथ शादी करना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना, ठीक है। और दोनों की सेम फीलिंग बॉटम में देखो क्या है कि दोनों को भी बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आपके पर्सन की हालत नहीं है, तो आपकी भी यही हालत है कि बहुत कुछ लॉस हुआ है इमोशनली, ठीक है। आपको भी लगता है कि आपने इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, लेकिन आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है इस रिश्ते में। जो उम्मीद करते थे आप इस इंसान की तरफ से, वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हुई है,
सेम हाल आपके पर्सन का भी है गाइस। दोनों भी एक दूसरे को खोने से बड़े डरते हो, दोनों भी सृष्टि में विश फुलफिलमेंट चाहते हो, जो भी विश है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर कंप्लीट करना चाहते हो। आप दोनों चाहते कि रिश्ता बड़ा खूबसूरत होना चाहिए और दोनों भी आज भी एक दूसरे को खोने से बड़े डरते हो। ये इंसान भी डरता है आपको खोने से, आप भी डरते हो, ये आप दोनों की हालत है। ठीक है, और क्या है देखते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप जो स्टक हो गए हो, बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, या आपको लगता है कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखो आपको कछुए की चाल से ही सही, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आप एक जगह पर रुक नहीं सकते, आप स्टक नहीं हो सकते, आपको कोशिश करनी होगी आगे बढ़ने की। ठीक है, और आप पूरी तरह से स्टक हो गए हो, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे कि जिंदगी की सारी खुशियाँ ही आप बहुत मिस कर रहे हो, उन बातों को, उन पुरानी यादों को, और जैसे आपकी ज़िंदगी की वो खुशियाँ जैसे कहीं गायब हो गई है। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगा अगर आप पास्ट की एनर्जी से निकलकर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ोगे। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, और सेलिब्रेशन भी आएगा, कोई नए फ्रेंड्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, ऐसा भी है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कुछ ऐसे डिसीजन आपने लिए हैं जो बहुत ज़्यादा गलत साबित हुए हैं, या बड़े रिस्क टेकर आप हो सकते हो, या इस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि इस इंसान के लिए आप कोई भी रिस्क उठाना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, सोलमेट हो सकते हो आप, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि TF जर्नी में भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो इस व्यक्ति से कि आपने सोचा ही नहीं। ठीक है, आपने होता ना कि कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और डिसीजन ले लिया और फिर बाद में पछताना पड़ा, ऐसा हो सकता है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपका प्यार है आपके पास वापस ज़रूर आएगा। आप दोनों ऐसे हो कि दोनों भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इनर वॉइस आपकी क्या कहती है इस इंसान के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, सोच समझ कर डिसीजन लेकर आपको आगे बढ़ना है। प्यार तो यहाँ पर डेफिनेटली है, और वापस से एनर्जी की कोई नए फ्रेंड भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, कोई नए लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। बहुत सारा ऐसी एनर्जी है कि सेलिब्रेशन तो आएगा, लेकिन आपको खुद को थोड़ा चेंज करना होगा और जल्दबाजी नहीं करनी है, नेगेटिविटी से खुद को रिलीज करना है। कछुए की चाल से ही सही, लेकिन लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।